पाकिस्तान क्रिकेट का दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है, स्पेशली हमारे पड़ोसी मुल्क जो है ना वो तो बहुत ज्यादा हंस रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, और मैं एज अ पाकिस्तानी मुझे खुद जो है ना हंसी आ रही है। हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं बस इनको तो जॉब मिल गई है, ये तो मजे कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है कि हमारे जो चेहरे हैं ये कैसे बदल जाते हैं, मतलब कैसे रंग बदलते हैं। अगर ये हमारे क्रिकेटर्स को, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, अगर इनको ये समझ में आ गया कि जो हमारा चेहरे का कलर है ये दिन ब दिन कलर चेंज करता है, पैसे देख के, नौकरी देख के कलर चेंज कर लेता है, अगर ये इनको समझ में आ गया कि इसको चेंज नहीं होने देना, तो तभी जाके पाकिस्तान क्रिकेट का बेहतर हो सकता है, नहीं तो हमेशा इसी तरह से कलर्स चेंज होते रहेंगे, फेस चेंज होते रहेंगे, लेकिन तरीका वही सेम है। मैं जरा तो आपको जो है ना थोड़ा सा पास्ट में लेकर जाऊंगा, 2019 में, 2019 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, उसके बाद क्या हुआ, कप्तान बदल दिया, कोच बदल लिए, चीफ सेलेक्टर तक, मतलब सब कुछ बदल दिया। लेकर किन को लेकर आए, मिसबाह हक को हेड कोच लेकर आए, यूनुस खान को बैटिंग कोच लेकर आए, वकार यूनुस को बॉलिंग कोच लेकर आए। फिर क्या हुआ, मिसबाह हक के पास क्या एक्सपीरियंस था कोचिंग का, नहीं था, और नया कप्तान लेकर आए, तो वहां उस टाइम भी कोचिंग, हमारे जो कोचिंग स्टाफ था उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था कोचिंग का, और अब ये जो कोचिंग स्टाफ आया हुआ है इनके पास क्या एक्सपीरियंस है, मोहम्मद हफीज जो टीवी के ऊपर बैठ के जो है ना मेरिट डिस्कस किया जाता था कि मेरिट क्या होती है, मेरिट बताया जाता था, इसको प्रोफेसर कहते हैं, आज मोहम्मद हफीज का इतना जल्दी फेस कैसे बदल गया, इतनी जल्दी उसकी जो क्राइटेरिया था किसी भी कोच को लेकर आना या किसी कप्तान को लेकर आना, वो इतने जल्दी कैसे चेंज हो गया। इसी तरह से हमारे जो वहाब रियाज है, इन दोनों के पास कौन सी जो है ना वो एक्सपीरियंस है कोचिंग का, चीफ सेलेक्टर का, वहाब रियाज के पास कोई एक्सपीरियंस है, नहीं है, हफीज के पास है, नहीं है। दोबारा वही काम हमने किया जो 2019 में किया था, 2023 में आज दोबारा हम वही काम कर रहे हैं, कप्तान भी हमने बदल दिया, कोचिंग स्टाफ भी बदल दी, लेकिन क्या जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उन्हीं को लेकर आ गए, और फिर बातें हम करेंगे कि भाई हमने तो सब कुछ बदल दिया लेकिन फिर भी नतीजा वही आया। आपने सब कुछ बदला, 2019 में बदला, 2023 में बदला, लेकिन आपकी माइंड जो ना और जो आपकी सोच थी वो वही की वही थी। आप 2019 और 2023 आप में कोई फर्क नहीं है, दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स को देखो, 2019 में उसको देखो और 2023 में देखो, जमीन से आसमानों पे पहुंचे, और हमारा वही कि जमीन पे है, उनकी सोच ही वही है 2019 वाली, और वही सब कुछ दोहरा रहे हैं, 2019 से कुछ नहीं सीखा, 2023 में वो दोबारा दोहरा रहे हैं। तो मुझे बताओ कि ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के क्रिकेट को बेहतर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनको अपनी नौकरियां चाहिए कि हमें नौकरी मिले, हमें जॉब मिल जाए, बस नौकरियां इनको मिल गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और अब ये खुश होंगे। जिस दिन ये जो ना नौकरी से जाएंगे इनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इनको इज्जत प्यारी नहीं है, इनको निकाला जाता है, कभी ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट में मैंने नहीं देखा है कि खुद रिजाइन दिया, इनको निकाला जाता है और उसके बाद जाके ना टीवी में बैठ गए, मुझे ये अख्तियारात नहीं दिए गए थे, मुझे ये अख्तियारात नहीं दिए थे, फिर ये रोना शुरू कर देते। मोहम्मद हफीज साहब महीना पूरा नहीं हुआ, आपने तो रिजाइन दिया था टेक्निकल कमेटी से, इसी जका अशरफ, यही जका अशरफ चेयरमैन थे, और आज वही जका अशरफ है और आप टीम के जो ना टीम जो ना डायरेक्टर बन गए। उस टाइम आपने ये नहीं, मतलब आपने ये नहीं सोचा कि यार इसी जका अशरफ के साथ टेक्निकल कमेटी से मैं हट गया था, मेरे मन नहीं सुनी जा रही थी, और अब आपको जब पैसा मिला, मतलब पैसे देख के आपने रंग बदल दिया कि यार सही है डायरेक्टर बन गया, यार कुछ ना हो पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी हो या ना हो पैसा मिलेगा। तो ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स की सोच है, मुझे खुद हंसी आती, बाहर कंट्रीज तो क्या हंसे कि मुझे खुद हंसी आती हमारे सिस्टम के ऊपर। अगर आपको भी, आपको क्या लगता है कि ये जो कोचिंग स्टाफ है ये पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, अपने राय कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।